हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ठीक है। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल डिमापुर बंगाली रिएक्ट्स, और मेरा नाम है किशोर यादव। फ्रेंड्स, 2023 ख़त्म होके 2024 आ चुका है, और मेरा जो ग्रोथ है वो लास्ट ईयर जैसा था वैसा ही है। इन शॉर्ट, कोई ग्रोथ नहीं है अभी तक। तो कभी कभी मैं देखता हूँ, मेरे से भी बहुत छोटा लड़का लोग बहुत कुछ अचीवमेंट कर चुका है, नया कार्स ले चुका है, नया बाइक्स ले चुका है, नया घर बना चुका है, बहुत कुछ नया नया ले चुका है। तो उसको देखते बहुत ही उसको देख के बहुत ही मन में पेन होता है कि उन लोगों के पास क्या है जो मेरे पास नहीं है, क्यों मैं नहीं कर पाता हूँ ऐसा जो दूसरा लोग कर पाते हैं। तो यही सोच के हमेशा पेन होता है कि मैं उन लोगों के साथ में बराबरी करूँ तो क्या हिसाब से, क्या चीज़ का हिसाब से मैं उन लोगों के साथ में बराबरी करूं, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन लोगों के पास में है। तो मैं कभी कभी रैशनलिस्ट हो जाता हूं, मैं रैशनल होके बात करता हूं। एक गाय है इसलिए गाय को देख रहा था। रैशनल होके सोचता हूं कि उन लोगों के पास में पैसा है, पावर है, बैकिंग है, तो इसलिए वो लोग कर पा रहे हैं। तो मेरे पास वैसा नहीं है इसलिए मैं कर पा रहा हूं, लेकिन वैसा बात नहीं है। इस बात पे मेरा जो मैडम जी है, मेरा धर्मपत्नी, मेरा वाइफ, उन्होंने बहुत अच्छा एक जवाब दिया। उन्होंने बोला कि देखो, पहला बात तो ये है कि किसी के साथ में कंपटीशन करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिंदगी का जो रेस है ये आपका अपना रेस है, इसको आप खुद ही स्टार्ट करते हैं, आप खुद ही एंड करते हैं, ठीक है। और ये कोई रेस नहीं है, और ये कोई एक वो नहीं है कि जिसको आपका उसी हिसाब से अचीवमेंट करने से आपके पास सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जिंदगी एक सीढ़ी है जिसपे सक्सेस जो है वो एक एक माइलस्टोन है, एक एक सीढ़ी बोलने से उसका एक एक वो हो गया, क्या बोलता है उसको, माइलस्टोन ना, एक एक फ्लोर हो गया। तो जिंदगी वैसा ही है, अगर हम लोग कुछ अचीवमेंट करते हैं तो वो उधर में एंड नहीं है, तो दूसरा साथ में कॉम्पिटिशन करके फायदा नहीं है। दूसरे ने अपना रेस अपना हिसाब से, अपना टाइमिंग का हिसाब से, अपना कन्वीनियंट का हिसाब से स्टार्ट किया है, तो वो लोग जो अचीवमेंट कर रहे हैं या जो लोग अचीवमेंट करेंगे तो उन लोगों का वो फिनिश पॉइंट होगा, ठीक है। तो मेरा जो है, आप मेरे को, मेरा वाइफ बोला कि आपका जो है, आपका रेस आप जब स्टार्ट करेंगे उसी हिसाब से आप अपना रेस का कितना स्पीड से आप दौड़ेंगे, कितना स्पीड से आप अचीवमेंट करेंगे, ये आपका अपना जिंदगी के ऊपर निर्भर करता है। ये दूसरों का जिंदगी को देख के उसमें जलस होके उसमें पेन लेके कोई फायदा नहीं है। अब पहला बात, सेकंड बात कि कुछ अचीवमेंट करने के लिए उसी हिसाब से नया नया आइडियाज का तरफ सोचना पड़ता है, आइडिया का तरफ ध्यान देना पड़ता है, और कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर डोर्स में आके नॉक करे तो उसको छोड़ना नहीं है। तो ये मेरा मैडम का बात सुन के मुझे लॉजिकल लगा, इस बात पे थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा लॉजिस्टिक है ये बात, थोड़ा सा लॉजिकल है। तो इस बात पे मैं ध्यान दे रहा हूँ, और मुझे लगता है कि 2024 में कुछ अचीवमेंट करने का कोशिश करूँगा। अभी देखिए, यूट्यूब में तो अभी आप लोग देखते हैं मेरा वीडियोज, तो व्यूज को बहुत कम आ रहा है, तो पता नहीं यूट्यूब से कैसा होगा, लेकिन नॉर्मल फील्ड से मैं जो भी अचीवमेंट करूंगा वही अचीवमेंट होगा मेरे लिए। और यूट्यूब में मैं अभी अचीवमेंट के लिए मैं नहीं सोच के, अचीवमेंट करूंगा बोल के मैं नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब में वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ। यूट्यूब में मैं वीडियो डाल रहा हूँ इसलिए कि मुझे अच्छा लगता है डालने के लिए, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। ऐसा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है किसी के साथ में, कोई मोनेटाइजेशन होने के बाद में बहुत सारा पैसा आएगा उसको सोच के मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर वो सोच के करता तो बहुत पहले बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा चैनल बनाने का, बहुत सारा टेक्निक्स है जिससे अचीवमेंट कर सकते हैं, तो उससे मैं अचीवमेंट कर सकता था। तो मेन फील्ड पे ध्यान देते हैं, यूट्यूब में वीडियो डालता रहूँगा, जैसे डाल रहा हूँ वैसे ही डालता रहूँगा, कोई अब गैप नहीं होगा। लेकिन जो मेरा पर्सनल जो फील्ड है वर्क करने का, उस पर भी डेडिकेशन देके काम करके उसी हिसाब से एक एक सीरीज जो है, एक पड़ाव जो है पार करके अचीवमेंट करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो देख के बोरिंग ना लगा हो,
क्योंकि ये मतलब मेरे वाइफ ने मेरे को बताया, इसलिए मैं आप लोग बता रहा हूँ। आप लोग अगर कोई रिलेट कर पाते हैं उसी हिसाब से मेरे साथ में, तो आप लोग ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं तो नहीं करने से भी हो जाएगा। तो यही था इस वीडियो के लिए, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।